हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भारत का खाना। आज की रेसिपी है इंस्टेंट रवा इडली। इसको हम रवा में बनाएंगे, बोले तो सूजी में बनाएंगे हम। और इसमें हम देखेंगे हम विदाउट इनो के फुली फुली और सॉफ्ट सॉफ्ट इडली कैसे बना सकते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है खाने में, और ये मेरे पिछले चैनल में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी। आप सभी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उसको लाइक दिए थे। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इससे पहले मैं साउथ इंडियन सांभर और साउथ इंडियन स्टाइल की चटनी की रेसिपी में डाल चुका हूँ, आप उसको मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। नहीं तो इन दोनों का आपको आई बटन ऊपर मिल जाएगा, नहीं तो वीडियो के एंड में मिल जाएगा। तो चलिए हम इडली की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और इसको बनाना बहुत आसान होता है, इसमें टाइम भी बहुत कम लगता है। आप इसको सांभर चटनी के साथ इंजॉय कर सकते हैं, जो कोकोनट की चटनी होती है। ये ऑलरेडी मैं पोस्ट कर चुका हूँ मेरे चैनल में, और हो सके तो उसका आई बटन मैं ऊपर दे दूंगा। और एंड स्क्रीन में आपको सांभर की रेसिपी और चटनी की रेसिपी मिल जाएगी, और रवा इडली के साथ उसको आप इंजॉय कीजिए। तो रवा इडली बनाने के लिए हमको चाहिए 400 ग्राम मैंने सेमोलिना लिया है, इसको सूजी बोलते हैं। और हमने लिया है 400 ग्राम दही, ये एक बाउल दही है 200 ग्राम का, ऐसे हम दो बाउल लेंगे। हम जब उसका बैटर बनाएंगे दोनों को एक साथ हमको मिक्स करना है। जितने हमें सूजी चाहिए उतना ही हमको दही लेना है। और 400 ग्राम हमने सूजी लिया तो 400 ग्राम हमने दही लिया है। और हमने लिया है एक चम्मच नमक स्वाद अनुसार, आधा चम्मच सोडा। अगर आपके सोडा नहीं है तो आप एक पैकेट इनो यूज़ कर सकते हैं। इस बार हम जो इडली बनाएंगे वो सोडे के हेल्प से बनाएंगे। और हमने लिया थोड़ा सा ऑयल, जिसको हम इडली की प्लेट्स में ग्रीसिंग के लिए यूज़ करेंगे। जो इडली का स्टैंड होता है उसमें जो खांचे होते हैं इडली के, उसमें हल्का सा ग्रीस करेंगे इस ऑयल की मदद से। तो चलिए हम रवा इडली के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बड़े से बाउल में ये सूजी डाल लेंगे। अब इसमें हम दही को डाल देंगे, एक बाउल हमने डाल दिया, एक बाउल और डाल देंगे इसके अंदर। अब इसमें दूसरा बाउल भी डाल देंगे हम दही का। अब उसको हम अच्छे से फेंटेंगे नमक डाल के। नमक डाल देते हैं, इसको अच्छे से फेंट लेते हैं। हमको अच्छे से फेंटना है जैसे इसमें कोई गुठली ना रह जाए, और ये बहुत गाढ़ा बनता है तो इसमें बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा नहीं। इसको अच्छे से फेंट लेते हैं। इसको अच्छे से डिसॉल्व करना है दही को और सूजी को। वैसे तो सूजी में कोई गुठली रहती नहीं है, बनती नहीं है ईजिली। उसमें थोड़ा सा हम पानी डालते हैं, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए, क्योंकि हमको ना इसको ज़्यादा गाढ़ा रखना है ज़्यादा पतला, सूजी वैसे ही इसे पी जाती है। देखिए ये अभी भी थोड़ा गाढ़ा है, इसमें थोड़ा और पानी मिलाएंगे हम। इसको अच्छे से फेंट लेते हैं, अच्छा सा बैटर बनाना है हमें। इसको अच्छे से फेंटेंगे हम, थोड़ा सा और पानी मिलाएंगे हम। मैंने उसी बाउल में पानी डाल दिया जिसमें मैंने दही डाला था, उसी के साथ उसको मैं डाल दूंगा। अब उसको अच्छे से मिला लेंगे। मेरा ध्यान थोड़ा पैन में रहता है तो इसलिए फ्रेम से थोड़ा आउट हो जाता है। तो अच्छे से मिला लेते हैं। तो थोड़ा सा पानी और मिलाएंगे। एक काम करते हैं, हम इसमें सोडा डाल देते हैं एक चम्मच, आधी चम्मच मैंने सोडा डाल दिया। अब उसमें थोड़ा सा पानी डाल देता हूँ। अभी आप सोच रहे होंगे कि कई लोग तो एंड में डालते हैं, वो इनो डालते हैं, सोडा नहीं। सोडा अपना काम करता रहेगा, इसमें डाल के अच्छे से मिला देते हैं। इनो में क्या होता है, हमको एंड टाइम पर डालना पड़ता है, जब हम उसको बैटर को इडली स्टैंड में डालेंगे तभी डालना होता है। और सोडा हम पहले ही डाल देते हैं जैसे ये अपना काम करना स्टार्ट कर दे, और फिर बाद में ये गाढ़ा हो जाता है डालने से पहले, तब हम थोड़ा सा और पानी और मिला देंगे। इसको हम 10 मिनट के लिए रख देते हैं अच्छे से, और फिर हम देखेंगे अगर ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है थोड़ा सा पानी और मिलाना पड़ेगा। और 10 मिनट में क्या होगा, जो सूजी है अपना जितना पानी सोखना वो सोख लेगी, और सोडा उसको अच्छे से फुला भी देगा। ये देखिए अभी से एयर बबल बनना स्टार्ट हो गए हैं, अगर आप देखेंगे बारीकी से यहाँ पर साइड साइड से एयर बबल बनना स्टार्ट हो गए। इसको हम 10 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे 10 मिनट हो गए, और एक चीज़ याद रखिए, इसको हमको ढक के रखना है। मैं स्टार्टिंग में बोलना भूल गया था, इसको साइड में रख देते हैं। इसको हम देख लेते हैं एक बार कैसा हो गया हमारा बैटर। काफ़ी अच्छा है, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं हुआ है, हमको इतने ही गाढ़ा चाहिए।
और इसे देखिए इसमें एयर बबल भी बन रहे हैं साइड में देखिए। अब इसको हम इडली के मोल्ड में डाल लेते हैं अच्छे से। अब क्या करेंगे, हम अपने इडली की मोल्ड को लेंगे और उसमें हम मैंने पहले से ऑयल डाल दिया है, इसको हम हल्का सा ऐसे ऐसे लगा लेंगे, चारों को ग्रीस कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमारी जो इडली है आसानी से निकल जाएगी। अब इसमें हम अपना बैटर डालेंगे बराबर से, देखिए हमको इतना ही गाढ़ा रखना है। हम ज़्यादा बैटर डालेंगे तो ज़्यादा ये बड़ी इडली निकलेगी। अब ऐसे ही हम सारे मोल्ड में डाल लेते हैं और फिर हम उसको इडली के स्टैंड में डाल देंगे, दूसरे मोल्ड में भी डाल देते हैं हम। अब देखिए मैंने दोनों मोल्ड में डाल दिया है, अब इसको हम इसके सांचे में डाल देते हैं, जो इडली स्टैंड है उसमें डाल देते हैं दोनों मोल्ड को। देखिए मैंने स्टैंड को गैस पर रख दिया है, उसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है। हमको पानी का लेवल इतना ही रखना है जितना इसके होल से उसके नीचे रखना है, बोलो तो आधा ग्लास पानी डाला है मैंने इसमें। अब इसमें हम एक एक करके इडली के मोल्ड्स डाल देते हैं हम। और एक चीज़ याद रखिए फ्रेंड्स, कि अगर आप पहले से पानी गर्म कर रहे हैं या फिर स्टैंड में आप बना रहे हैं या फिर कुकर में बना रहे हैं, अगर पहले से आपने पानी गर्म रखा है तो आप सिर्फ उसे 10 मिनट के लिए रखिए, अगर आपने पहले से पानी गर्म नहीं रखा है तो उसको आप सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के लिए रखिए लो फ्लेम पे। हमें फ्लेम हाई नहीं करनी है ना मीडियम रखनी है, हमें लो फ्लेम पे रखना है इसको। अब मैंने इसको रख दिया है, मैं इसकी गैस ऑन कर देता हूँ और उसको मैं 15 मिनट बाद चेक करूँगा। तो फ्रेंड्स हमारे 15 मिनट हो गए, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। और पीछे से आपको जो साउंड आ रहा है वो मेरे घर के बगल में इस्कॉन टेम्पल है, मैं अक्सर वीडियो में सबको बता देता हूँ। तो आप देखिए उसको हम चेक कर लेते हैं, गैस ऑफ कर देता हूँ मैं। देखिए कितने अच्छे से फूल गई है। और हमको चेक करने के लिए एक चक्कू लेंगे, उसको हल्का सा अंदर डालेंगे और देखेंगे कहीं इसमें हमारा गीला जो रवा है वो बाहर तो नहीं आ रहा, एकदम कुछ भी नहीं आया, एकदम मस्त बनी है। अब हम इसको बाहर निकाल के 5-10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जैसे कि ये अच्छे से ठंडी हो जाए फिर उसको आप चाकू की मदद से या फिर हाथ की मदद से इसको निकाल लीजिए। इसको हम अलग रख लेते हैं निकाल कर 10 मिनट के लिए। ये देखिए नीचे वाली भी एकदम मस्त बनी है, ये देखिए कितनी फूली फूली बनी है और इंस्टेंट बनती है ये, खाने भी बहुत स्वाद होती है। इसको भी हम निकाल लेते हैं, देखिए ये 2-3 मिनट में ठंडी हो गई है। अब मैं इसको निकाल लेता हूँ, मैं इसको हाथ की मदद से निकालता हूँ क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही साउथ इंडियन डिश को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा आदत हो गई है। देखिए कितने आराम से निकल गई है, तो उसको मैं एक बाउल में रख लेता हूँ। एक बाउल निकाल लिया मैंने, उसमें निकाल देता हूँ मैं। ये देखिए इसको, देखिए इस तरह से कितने आराम से निकल रही है। देखिए इसको हाथ की मदद से निकाल लीजिए, ये देखिए कितनी अच्छी बनी है, एकदम फूली फूली बनी है। इसको मैं तोड़ के दिखाता हूँ, ये देखिए अंदर से कितनी सॉफ्ट है, बढ़िया बनी है एकदम। और उसमें काफ़ी सारे एयर बबल भी दिखाई दे रहे हैं, खाने में भी बहुत अच्छी होती है। अगर आप चाहते हैं तो चाकू की मदद से भी निकाल सकते हैं। ये देखिए हल्का सा इसको हल्का सा मारना है और इसको ऊपर से यूँ पकड़िए, उसको निकाल लीजिए यूँ करके। ये देखिए इडली फटेगी भी नहीं हमारी, एकदम मस्त तरीके से निकल जाएगी। और ऐसे करके मैं सबरी निकाल लेता हूँ, ये देखिए बहुत प्यार से निकल जाती है। ये देखिए ये मैं बहुत बचपन से बोले तो ये इडली में बना रहा हूँ, डोसा बना रहा हूँ, मेरे को साउथ इंडियन डिश इतनी अच्छी लगती है जिसका कोई कहना ही नहीं। और कोकोनट की चटनी तो लोग एक ही तरह की बनाते हैं, मैं कई तरह की बनाता हूँ, इस बार मैंने नई तरह की कोकोनट चटनी बनाई है जो मैंने रेसिपी नहीं डाली है, तो वो भी आप देखिएगा। तो फ्रेंड्स मैंने इडली को प्लेट कर लिया है और इसे नारियल की चटनी के साथ इसको मैंने डेकोरेट किया है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। इसे सांभर के साथ एंजॉय कीजिए और नारियल की चटनी के साथ एंजॉय कीजिए। ये दोनों वीडियो मैं पहले ही डाल चुका हूँ, आप सांभर का वीडियो मेरे चैनल में चेक कर सकते हैं। और दो तरह की नारियल की चटनी मैंने डाली है, उसको भी आप चेक कर लीजिए, ये डिफरेंट टाइप की नारियल की चटनी, इसकी भी रेसिपी मैं जल्दी डालूंगा, तो आप इसको
जरूर ट्राई कीजिए और मेरे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। और आने वाले मोर रेसिपीज के लिए, मोर किचन टिप्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस भारत का खाना।